आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में अब दोस्ती हो गई है। दोनों की दोस्ती के सूत्रधार बने हैं सुपरस्टार रवि किशन शुक्ल। टूट गई दुश्मनी के दीवार, पवन सिंह और खेसारी में दिखल भाई के प्यार। भोजपुरी इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल एक दूसरे के घोर विरोधी माने जाने वाले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में अब दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती के सूत्रधार बने हैं सुपरस्टार रवि किशन शुक्ल। दोनों एक दूसरे के करीब फिर से एक आवाज शो में आए और रवि किशन ने दोनों की दुश्मनी को खत्म कराकर दोस्ती करा दी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। दोनों के गले लगते ही रवि किशन ने कहा कि एक ऐतिहासिक पल है। मौका था फिल्म फेयर फेमिना भोजपुरी आइकॉन सवाड शो की शाम का। इस शो में भोजपुरी इंडस्ट्रीज के साथ साथ साहित्य, संगीत और खेल के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले दिग्गजों को सम्मानित किया गया। भोजपुरी जगत के तमाम छोटे बड़े कलाकार भी मौजूद रहे। वैसे तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों ही एक दूसरे के दुर्विरोधी माने जाते हैं। कार्यक्रम को होस्ट कर रहे थे रवि किशन शुक्ला। उन्होंने दोनों को एक साथ मंच पर बुलाया और एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया। बस फिर क्या था, पहले रवि किशन ने की, पवन सिंह ने आदेश मांगा और खेसारी लाल और पवन सिंह ने एक दूसरे को गले लगा लिया। सबके बीच एक अच्छी बात ये देखने को मिली कि पवन सिंह और खेसारी लाल दोनों के हाथ रवि किशन ने पकड़ रखे थे और फिल्म मेरा नाम जोकर के प्रसिद्ध गीत जीना यहाँ मरना यहाँ गुनगुनाया। इस मौके पर रवि किशन ने कहा कि आज की रात एक ऐतिहासिक रात होने वाली है। इसके बाद पवन सिंह ने रवि किशन से कहा कि भैया आप आदेश दीजिए, और उसके बाद वहां जो देखने को मिला उसका इंतजार भोजपुरी के दीवाने काफी समय से कर रहे थे। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने एक दूसरे को गले लगाया। इस मौके पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि हमारे बीच न कभी झगड़ा था और न ही कभी होगा। पवन सिंह को गले लगाने के बाद खेसारी यादव ने कहा कि पवन सिंह मेरे बड़े भाई हैं, मैं जब तक धरती पर हूँ ये बड़े ही रहेंगे, हमेशा सम्मान करूंगा मैं इनका। इस मौके पर पवन सिंह ने गाना गाया, तोहर जैसन भाई कहा, तोहरा जैसन यार कहा। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। एक तो बात थी कि शो के दौरान गले लगने की, लोग इसे नाटक भी समझ सकते हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को पर्दे के पीछे यानी शो के बाद भी गले लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।